महाशिवरात्रि आज, भूलकर न करे ये छह काम, भगवान शिव हो जाएंगे रुष्ट। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च यानी आज मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। महाशिवरात्रि भगवान जी शिव की उपासना के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। कहते हैं कि जो भी इस दिन भगवान शिव की उपासना करता है जीवन में तरक्की पाता है। ज्योतिषियों की माने तो शिवरात्रि के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, साथ ही कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। तो आइए जानते हैं उन गलतियों के बारे में। महाशिवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनकर भगवान शिव की उपासना नहीं करनी चाहिए। काले रंग को बहुत ही अशुभ माना जाता है, ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो सकते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर बिना उपासना करे कभी प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन दाल चावल और गेहूं से बनी किसी भी चीज का सेवन नहीं करना चाहिए, बल्कि इस दिन फल दूध का ही सेवन करे तो अच्छा रहेगा। महाशिवरात्रि की रात को नहीं सोना चाहिए, बल्कि उस दिन रात्रि जागरण करना चाहिए और भगवान शिव के भजन सुनने चाहिए। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर तुलसी दल, कुमकुम, साथ ही टूटे हुए चावल और केतकी के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवरात्रि का व्रत सुबह शुरू होता है और अगली सुबह तक रहता है। महाशिवरात्रि के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए।